देशनों का बीकानेर हाईवे हुआ जाम, 15 किलोमीटर तक लगी लंबी लाइन। नमस्कार, मैं हूँ सुमित बिश्नोई, आप इस समय देख रहे हैं लाइव ट्रिपल एस न्यूज। इस समय की बड़ी खबर बीकानेर के देशनोक से आ रही है, जहां पर हाईवे हुआ जाम, लगी 15 किलोमीटर तक लंबी लाइन। हम आपको बता दें, यह जो नजारा आप देख पा रहे हैं, ये बीकानेर से देशनोक आने वाले हाईवे का है। देशनोक में करणी माता के ओरण परिक्रमा के चलते भक्तों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसी को देखते हुए पुलिस के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ा जाम लगने का कारण अव्यवस्थित तरीके से वाहनों को चलाना है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जिस लाइन से वाहनों को जाना चाहिए, उस लाइन से सामने से वाहन आते हुए नजर आ रहे हैं। तीन तीन लाइनें जाने की और तीन तीन लाइनें आने की वाहन चालकों ने अपने आप ही बना ली, जिसके चलते यह इतना बड़ा जाम लगा हुआ है। वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा जाम लगा और फिर उन्हीं को ही अपनी लापरवाही की वजह से ये नतीजा झेलना पड़ रहा है। और इस लापरवाही के चलते घंटों घंटों तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्था बनाने में लगी थी, ताकि श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। कुछ वाहन चालकों की लापरवाही के चलते यह नतीजा देखने को मिला।